हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब लोग फाइन होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ट्रेवर्सल ऑफ ए ग्राफ। कई बार इस टर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट एग्जाम में। हर बार तो नहीं कहते, लेकिन कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक को भी एक बार कवर करा देती हूँ। थोड़ा ओवरव्यू आने के बाद टॉपिक का ये हो जाता है कि अगर क्वेश्चन आता है तो हम इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ट्रेवर्सल ऑफ ए ग्राफ का मतलब क्या है कि किसी ग्राफ को हम कैसे ट्रेवर्स करते हैं और उसके अंदर हम क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ये टर्म्स हमारे जो हम यूलर पाथ या हैमिल्टोनियन पाथ फाइंड करते हैं कि ये पर्टिकुलर ग्राफ हमारा यूलर ग्राफ है या नहीं, यूलर पाथ है इसके अंदर या नहीं, या हैमिल्टोनियन पाथ, इन सब को डिस्कस करने से पहले हमें इन टर्म्स की नीड पड़ती है। और यूलर ग्राफ से और हैमिल्टोनियन ग्राफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, गेट में भी नेट में भी। तो इसलिए पहले हमें ये टर्म्स डिस्कस करनी होंगी। अगर ये डिस्कस नहीं करेंगे तो हमारा कंसेप्ट अच्छे से नहीं क्लियर हो पाएगा। हम अगर डायरेक्ट यूलर ग्राफ पे बात करें तो जो बेसिक टर्म्स हैं पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो ट्रेवर्सल ऑफ ए ग्राफ के अंदर 3 टर्म्स हैं, ट्रेवर्सल, वॉक और पाथ। सबसे फर्स्ट थिंग, ट्रेवर्सल सीक्वेंस। ट्रेवर्सल सीक्वेंस हमारी क्या होती है? ऑर्डर इन विच वर्टेक्स आर ट्रेवर्स। जिस ऑर्डर में वर्टेक्स ट्रेवर्स हुए हैं ग्राफ के, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, उस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, ट्रेवर्सल सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल ए सी ई डी बी, इनमें बीच में हमारे एजेस भी ट्रेवर्स हुए हैं, तो जिस ऑर्डर में हमने इन वर्टेक्स को ट्रेवर्स किया है ये क्या है, ट्रेवर्सल सीक्वेंस। देन उसके बाद अगर हम बात करें वॉक क्या होती है, तो वॉक होती है फाइनाइट ऑल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स एंड एज विच बिगिन एंड एंड्स ऑन वर्टेक्स। जिनमें ऑल्टरनेट सीक्वेंस हो, एज वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज, और जो स्टार्ट और एंड भी वर्टेक्स से ही होते हो, लाइक किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट किया हमने किसी सीक्वेंस को, देन उसके बाद एज को ट्रेवर्स किया, देन वर्टेक्स को ट्रेवर्स किया, देन एज को ट्रेवर्स किया, लेकिन एज एंड एज पे नहीं होगा, एंड कहाँ पे होगा, वर्टेक्स पे ही होगा। वन मोर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ वॉक, वॉक के अंदर एक और कंडीशन क्या होती है, नो एज रिपीट। कोई भी एज रिपीट नहीं होना चाहिए हमारा वॉक के। अगर हम किसी सीक्वेंस को फाइंड करना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस हमारी वॉक है या नहीं, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि कोई एज तो रिपीट नहीं है। पहले ये भी देखना है कि वर्टेक्स से स्टार्ट होना चाहिए, वर्टेक्स पे ही एंड होना चाहिए, और ऑल्टरनेट सीक्वेंस होनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि कोई भी एज रिपीट नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, वर्टेक्स रिपीट हो सकता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें पाथ की, तो पाथ क्या होता है, पाथ नाइदर ए एज नोर ए वर्टेक्स इज रिपीट। पाथ वो सीक्वेंस है जिसके अंदर ना तो वर्टेक्स रिपीट होना चाहिए ना ही हमारा एज रिपीट होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारी दोनों कंडीशंस हैं, एज भी नहीं होना चाहिए और वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होना चाहिए। वो के अंदर क्या था, एज रिपीट नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स रिपीट हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पाथ क्या है, पाथ इज अ सबसेट ऑफ वॉक। अगर कोई पाथ है तो उसको हम वॉक बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई वॉक है सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस अगर वॉक है तो वो सीक्वेंस हम, जरूरी नहीं है कि वो पाथ हो। तो रिवर्स मे नॉट ट्रू, बट पाथ, एवरी पाथ इज अ वॉक, ठीक है। सेम एज एवरी पाथ कैन बी ऑल्सो ए ट्रेवर्सल सीक्वेंस, वाइस ए वर्सा मे नॉट ट्रू। तो इसको हम कैसे इलिब्रेट कर सकते हैं कि जो हमारा ट्रेवर्सल सीक्वेंस है वो सुपरसेट होगा, कि कोई भी सीक्वेंस हुई वो ट्रेवर्सल सीक्वेंस तो होगी, लेकिन उस ट्रेवर्सल सीक्वेंस के अंदर वो कौन सी होगी जहां पे वर्टेक्स तो रिपीट हो सकता है लेकिन एज रिपीट नहीं हो सकता। सेम एज पाथ कौन सी होगी सीक्वेंस, पाथ वो सीक्वेंस होगी, वो वॉक का भी एक सबसेट होगा जिसके अंदर हमारा वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होना चाहिए, साथ में एज भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे जनरलाइज फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें वॉक, वॉक हमारी 2 टाइप से होती है। फर्स्ट वन इज ओपन वॉक, सेकेंड वन इज क्लोज्ड वॉक, ओपन वॉक एंड क्लोज वॉक। अब ओपन वॉक और क्लोज वॉक में क्या डिफरेंस है, जो हमारी ओपन वॉक होती है वो क्या है, किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट हुई और किसी अनदर वर्टेक्स पे एंड हुई। स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स हमारे जहां पे डिफरेंट होंगे जिस सीक्वेंस के अंदर, वो क्या होगी, ओपन वॉक। और क्लोज वॉक कौन सी होगी, जिसके अंदर स्टार्टिंग
और एंडिंग वर्टेक्स दोनों सेम हो, कि जहां से स्टार्ट हुई है सीक्वेंस स्टार्ट होना, ट्रेवर्स करना, वहीं पे लास्ट में आके एंड हो, वो क्या होगी हमारी क्लोज वॉक। और पाथ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट ओपन वॉक इज अ पाथ वेयर नाइदर वेयर नन ऑफ द वर्टेक्स में बी रिपीट, कोई भी वर्टेक्स रिपीट ना हो उस ओपन वॉक को भी हम पाथ बोल सकते हैं, क्योंकि एज तो रिपीट होगा ही नहीं ओपन वॉक के अंदर, और वर्टेक्स भी नहीं रिपीट होगा क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स क्या होंगे हमारे डिफरेंट होंगे। एक बात और, जो वॉक होता है उसकी जगह कई जगह टर्म्स यूज होती हैं, वॉक इज इक्वल टू एज ट्रेन सेम एज चेन भी बोलते हैं। तो जहाँ कहीं पे भी ये तीनों टर्म्स लिखी हों, इन सभी का मतलब क्या है, वॉक है। अब हम डिस्कस करते हैं, हमने ये एक टेबल बनाई है, इसके अंदर कुछ ऑर्डर्स गिवन है, तो इससे हमें फाइंड करना है, और ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये कुछ हमने सीक्वेंस ली है, इन सीक्वेंस से हमें फाइंड करना है कि कौन सी सीक्वेंस हमारी ट्रेवर्सल सीक्वेंस होगी, कौन सी हमारी वॉक होगी और कौन सी हमारी पाथ होगी। तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर अल्फाबेटिकली जो अल्फाबेट्स हैं उनसे हमने रिप्रेजेंट किया है वर्टेक्स को, और जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं उनसे हमने रिप्रेजेंट किया है एजेस को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सीक्वेंस से, ए टू बी सिक्स ई, ए टू बी सिक्स ई। अब ट्रेवर्सल सीक्वेंस तो होगी क्योंकि ऑर्डर क्या है, ए बी ई, हमारे जो वर्टेक्स का ऑर्डर है वो क्या है, ए बी ई, साथ में एजेस भी ट्रेवर्स हुए हैं, तो कोई भी सीक्वेंस हो वो ट्रेवर्सल सीक्वेंस तो होगी ही। देन उसके बाद अगर हम वॉक की बात करें तो वॉक में क्या कंडीशन थी, वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, वर्टेक्स पे एंड होता है, सेम एज ऑल्टरनेट सीक्वेंस है, और कोई भी एज रिपीट नहीं हुआ है, तो ये हमारी वॉक भी होगी। अब पाथ के लिए कंडीशन क्या थी, वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ है, ए बी ई तीनों डिफरेंट डिफरेंट वर्टेक्स हैं, तो ये हमारा पाथ भी होगी। ठीक है, सेम एज सेकेंड सीक्वेंस पे आते हैं, ए टू बी फोर सी सेवन ई सिक्स बी फोर सी। अब यहाँ पे बी फोर वर्टेक्स और एज दोनों हमारे रिपीट हो गए हैं, तो दोनों रिपीट हुए हैं, तो ये ट्रेवर्सल सीक्वेंस तो होगी क्योंकि ये कोई ना कोई एक सीक्वेंस है, लेकिन ये वॉक नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एच रिपीट हुआ है फोर, जो कि रिपीट नहीं होना चाहिए था, और वर्टेक्स भी रिपीट हुआ है, तो ये पाथ भी नहीं होगा। और हम वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, अगर कोई वॉक नहीं है, कोई सीक्वेंस वॉक नहीं है, तो वो पाथ भी नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई एक, या तो एच रिपीट हुआ होगा इसीलिए वो वॉक नहीं होगी, तो वो पाथ भी नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं ए वन ए, अब यहीं पर हमारा वर्टेक्स रिपीट हो गया, तो वर्टेक्स रिपीट हुआ तो ये पाथ तो नहीं होगी। ए वन ए थ्री सी सेवन ई, ए वन ए थ्री सी सेवन ई। अब ट्रेवर्सल सीक्वेंस तो है, साथ में वॉक भी है क्योंकि कोई एज रिपीट नहीं हुआ है, एक बार इस एज को ट्रेवर्स किया, देन इसको किया, देन इसको किया, वर्टेक्स रिपीट हुआ है ए, जिसकी वजह से ये पाथ नहीं है, लेकिन ये वॉक होगी। देन उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ सीक्वेंस पे, ए थ्री सी सेवन ई एट डी फाइव बी फोर सी। अब यहाँ पे जो सी वर्टेक्स था ये रिपीट हो गया है, तो ये पाथ नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी एच रिपीट नहीं हुआ, और ट्रेवर्सल सीक्वेंस तो होगी, कोई भी सीक्वेंस है, और वॉक भी होगी क्योंकि कोई भी एच रिपीट नहीं हुआ है, और साथ में किसी एक वर्टेक्स से शुरू हुई है, किसी अनदर वर्टेक्स पे एंड हुई है, और अल्टरनेट हमारी सीक्वेंस है। तो आई थिंक ये तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, ट्रेवर्सल सीक्वेंस, वॉक और पाथ, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, और इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी सीक्वेंस हमारी ट्रेवर्सल सीक्वेंस होगी, कौन सी वॉक होगी, कौन सी पाथ होगी। तो आज के डिस्कशन में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूलर पाथ या यूलर ग्राफ किसे बोलते हैं, देन उसके बाद हम हैमिल्टोनियन को डिस्कस करेंगे, तो ये कंसेप्ट आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अगर आप यूलर पाथ या यूलर ग्राफ स्टडी करना चाहते हैं तो उससे पहले आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर यूर फ्यूचर।